हमारी स्टोरी बहुत बड़ी है। हम 8th क्लास से एक दूसरे को जानते हैं और अब लगभग जो है हम ये 24 साल की हो चुकी है, ठीक है। और मैं भले ही इससे थोड़ा सा छोटा हूँ। तुम्हारे हो रहा है मरोड़ी वाला दर्द? नहीं तो तुम्हारे हो रहा है? नहीं मेरे तो हो रहा है। जब तुम 10-10 दिन तक पॉटी नहीं जाओगे तो यही होगा। अरे उससे नहीं हो रहा है, ये क्या है कि मैंने कपालभाति ज़्यादा कर ली तो कपालभाति ज़्यादा करने से ना पेट में ऐसा दर्द होता है कुछ कि ऐसा लगता है कि पॉटी आ रही है और पॉटी नहीं भी आ रही है, मरोड़े से हो जाते हैं। और तुम्हारे कैसा होता है? ऐसे ही होता है। तुमने थोड़ी करी कपाल भाती? क्या करा? मैं तो कल भी एप्स करे थे, आज भी एप्स करे। पर आई थिंक रोज एप्स नहीं करने चाहिए, हफ्ते में दो या तीन दिन कर लो वो सही रहता। पर मैं तो कपाल भाती को हद से ज्यादा कर लिया सर। रामदेव बाबा भी जो कह रहे होंगे ये लड़का है मेरा बिल्कुल असली शिष्य। शिष्य 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 बच्चे को सुसु करवा रहे हो। आज मैंने इतने दिनों बाद शर्ट पहनी है, देखिए सही लग रही, स्मार्ट लग रहा हूँ ना है? पहले से पतला हो गया हूँ मुझे लग रहा है, मुझे अंदर से फील हो रहा है, ठीक है। गर्दन भी चमकने लगी है। पराठे क्या कह रही है? कोई आलू के पराठे नहीं बनेंगे आज। क्यों? आज चीट डे था, तुमने पिज्जा खा लिया तो भाई चीट डे में दो मील खा सकते हैं। अब हम सैलेड खाएंगे, पत्ता गोभी, प्याज टमाटर। तुम्हें खाना पत्ता गोभी प्याज टमाटर, मैं तो वही खाऊंगा आलू पराठे। तुम्हारा चीट डे है ना? हाँ तो दो मील खा सकते, कुछ और डे भी है ना, तो दो मील खा सकते हैं, कुछ और डे भी है ना। नहीं तो? आज बस ये चीट डे, कल है छुट्टी, कल कुछ नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं है कल हमारी। हाँ पराठे बनेंगे? नहीं। हाँ यार एक दिन पराठे होने चाहिए। अच्छा ऐसा करना तुम उसका पेस्ट बना देना, बाकी मैं बना दूंगा, मैं खुद बना दूंगी, ठीक है। ज्यादा ना महान बनने की जरूरत नहीं है ऑडियंस के। अब मुझे आ गए भाई बनाने, उस दिन बना के नहीं दिखाए थे मैंने तुम्हें? कैसा बनाया था पराठा मैंने? अच्छा बनाया था ना? मैंने एक बार सिखाया, एक बार भी सीखा। हाँ तो मैं हूँ यार, मैं पहले से बहुत तेज सीखता हूँ सब चीज। फास्ट लर्नर। हाँ तुम्हारे तरह नहीं कि 10 घंटे तक एक चीज सिखाओ और उसके बाद ही सीखना पड़ा। तुम्हारे तो यही जो चले हैं। तुम्हें मैंने एडिटिंग सिखाई थी यूट्यूब की, याद है? कितना टाइम लगा था उसे सीखने में? एक दिन घंटा एक दिन, अभी तक भी सही से नहीं आती। तुम करते होंगे मेरी एडिटिंग? फालतू बोलते हो यार तुम भाई। नहीं ऐसी बात, अब नहीं करता मैं एडिटिंग, पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिनकी एडिटिंग मैंने करी, क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी भाई उस टाइम। नहीं बीच में और अभी भी, जैसे बीच में नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग में। अभी एक मिनट अभी रुक जा, अभी कोई जैसे फनी वीडियो बनाते हैं उस टाइम पे भी जब जाते रहे अगर ऐसा कुछ होता है। साउंड्स में ना मुझे आलस आता है बहुत ज्यादा, मैं नहीं कर सकती, मुझे और भी काम होते हैं, इसलिए जब साउंड्स वाला या फिर जो फनी एक्ट होता है वही अच्छा करता है, इसलिए मैं इसको देखती हूं। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, उनको एडिटिंग नहीं आती अभी ढंग से। मुझे आती है एडिटिंग, जितनी मेरे को जरूरत है उतनी आती है, पर तुम्हें बहुत अच्छी आती है, मतलब मैं मानती हूं। मतलब कि टिकटॉकरों से अच्छी आती है तुमको? मैं एक दो टिकटॉकर देखे जो एडिटिंग करते हैं खतरनाक वाली, और ऐसी एडिटिंग होती है उसमें बीच का जो साउंड होता है जहाँ पे कट करना होता है उसको फास्ट कर देते हैं, उसमें आवाज आती है। कैसे आवाज आती है? सर आवाज निकाल के दिखाइए। मुझे नहीं पता। ऐसे नहीं आती। अब दोबारा बोलना। मैं कह रही हूँ मेरे हाथों में जलन हो रही है बहुत ज्यादा, यहाँ पे हो सकता है मुझे एलर्जी। अभी तुमने बात चेंज कर दी, अब बात चेंज कर दी, कैमरा ऑन हुआ और बात चेंज, कुछ और बोल ली थी तुम जिस एटीट्यूड। मैं कुछ भी बोलूं तुम सब नेगेटिव ही दिखाओगे मेरे बारे में। ना एटीट्यूड चेंज हुआ है कुछ और, किसी और एटीट्यूड में कुछ और बोल ली थी। कैसे बोल ली थी? देखो खाने हैं ना तो चुपचाप कुकर साफ कर दो, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है एलर्जी हो गई। वो तो मैं अभी कह रहा था मैं साफ कर दूंगा उसको, तुमने कहा कि नहीं मैं ही कर दूंगी, क्योंकि बोला था पराठे में बना दूंगी, तुम बस साफ कर दो। तुमने कहा था बर्तन मैं साफ कर दूंगी, मैंने कहा था ना पहले मैं कर दूंगा, तुमने कहा कि नहीं मैं कर दूंगी क्योंकि मेरे हाथ में जलन हो रही, तो वो सही भी हो सकती है उससे। लेकिन मैं इसके बाद करूंगी, फिर तुम्हें भूख लगेगी तो फिर तुम नहीं मुझे मैं नहीं रहूंगा वो करके। पर कुकर पर ऐसा करता हूं ना, मैं कुकर साफ करके आलू उबालने के लिए रख देता हूं, पहले देख लो आलू है, जब तक तुम अपनी वीडियो का काम कर लो, ठीक है, और उसके बाद फिर बना के खा लेंगे। बर्तन शैम्पू धो देगा, ओहो हो कुकर साफ करना है, बर्तन बाद में। क्या कह रहे हो शैम्पू जी? अरे मैं सुबह उठ नहीं पाया था आज, तो बर्तन का काम वैसे तेरा ही होता है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कर दूंगा, तो चल काम पूरा कर। अभी लॉग इन है ना, थोड़ी देर में करूंगा। इसे मैं मत दिखाऊंगा क्या? उसे लेके क्यों भाई, क्यों गंजे के बाल आ गए भाई? अरे मैं लॉर्ड में स्मार्ट हूँ, बस अभी नहीं लग रहा, वो बात अलग है। देख भाई मैंने आधे बर्तन साफ कर लिए, आधे बर्तन तुझे।
ठीक है। मैंने तो बोला था कुकर कर दो, कुकर भी साफ कर दिया है, आलू भी रख दिया उसके अंदर उबालने के लिए, बाकी है आपका पति ऐसा। चलो ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम चलाता हूँ, वैसे मन तो नहीं है, ऐसा करता हूँ शैम्पू के पास बैठता हूँ और फिर पराठे इंजॉय करेंगे। तो आज पूरे घर में सफाई अभियान चल रहा है, पंखे वगैरह साफ़ किए हैं, एसी के फिल्टर वगैरह साफ़ किए हैं, यहाँ पूरा ये जाले वाले लग रहे थे साइड में वो साफ़ किए हैं, बाहर भी साफ़ सफाई चल रही है। अभी मैंने ये वाला पंखा साफ़ किया है और ये शैम्पू ने किया है, बाकी हो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, एंड अभी अभी मैं जगी हूँ और दिवेश अभी सो रहा है, हमेशा कहता है वो जल्दी जग जाता है लेकिन वो अभी सो रहा है, और अभी मैं उसको जगाने वाली हूँ गर्म पानी लेके, फिर देखना कितना नाटक करता है। जग जाओ, जागो जल्दी, देखो ऐसे नाटक करता है यार, सुबह सुबह यही नाटक है इसके। जा पानी पी ले, बैठ बैठ जा, डीवी प्लीज उठ जाओ, देखो ऐसे मैंने तो करवाता है ये लड़का, मैंने कहा था ना उठ जाओ क्यों थी बेबी, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आज तो उठ गया कैमरा देख के प्यार से, वरना अभी बोलता जा ये काम कर दे वो काम कर दे, बस 10 मिनट और सोना है मुझे। पानी, सबसे पहले आदमी उठते गर्म पानी पीता है और ये ऐसे चिड़चिड़ा होता है सुबह सुबह, मुझे उसे परेशान करने में बहुत मजा आता है। क्यूटी आज भी लेट उठा, इतना लेट नहीं है, थोड़ा सा हो गया लेकिन आज। नींद आ रही है, आँखें अजीब सी हो रही है, हो जाती है वो सूजी सूजी आँखें। तुमने पराठे बनाए थे, मैंने पीनट बटर बना दिए तुम्हारे लिए, सही है, ये तो बदला है भैया जिंदगी में, बिना बदले के कुछ नहीं चलता। मैं भूत लग रहा हूँ, चले जाओ। वीडियो बना रही हो क्या, या मुझे भी एडिट करनी है अपनी वीडियो? कर लो तुम, लैपटॉप खा लिया, चलो फिर ये खा लो, फिर मैं एडिट कर लेता हूँ, तुम्हारे नहीं करता, तुम ही करो अपने आप ही का। तो लोग बोलते हैं यूट्यूब पर कितनी मेहनत लगती है, ये देखो अभी मेकअप होगा, कैमरा सेट, ठीक है, फिर गर्मी में लाइट वाइट लगा के, फिर उसके अलावा फिर बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, फिर एडिटिंग में टाइम लगता है, फिर रेंडर, फिर अपलोड, फिर टैक्स, फिर शेयरिंग, और नॉलेज जो देनी है उसके ऊपर जो रिसर्च करनी है वो अलग रही। सभी ये तो तैयार होकर बैठी है क्योंकि इसकी वीडियो बन रही है, ठीक है, और मैं अपनी वीडियो में कोई ऐसे तैयार होता नहीं, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही आ जाता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे ज्यादा सुंदर लग रही होगी और मैं बहुत नॉर्मल लग रहा हूँ। जैसे अब तुम ये बोलो जैसे लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना कि नहीं भाई आप ही अच्छे लग रहे हो, भाई थोड़ी बहुत तारीफ तो बनती है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपकी जो स्टोरी है वो सुनने में थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो भाई इंटरेस्टिंग नहीं, महा इंटरेस्टिंग है और बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है। मैंने तो ये तक सोच रखा है कि मैं आने वाले टाइम में कभी उस पर एक किताब लिखूंगा, ठीक है, कोई ऐसा लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे अप्स डाउन हुए, क्योंकि भाई हमारी स्टोरी बहुत बड़ी है, हम 8th क्लास से एक दूसरे को जानते हैं और अब लगभग जो है हम ये 24 साल की हो चुकी है, ठीक है, और मैं भले ही इससे थोड़ा सा छोटा हूँ, मैं 23 साल का, मैं 6 महीने छोटा हूँ इससे, भाई तो छोटा हूँ ना अभी, 6 महीने छोटा हूँ अभी, ये 24 साल की हो चुकी है जनवरी में, मैं अभी जुलाई में हूँ, तो 6 महीने का फर्क है। इसका भी 21 तारीख को, और पता है क्या बढ़िया बात है हम दोनों में, इसका भी 21 तारीख को ही बर्थडे आता है, इसकी जो बर्थडे डेट है वो 21 जनवरी है और मेरा 21 जुलाई, दोनों 21 21, देख रहे हो, ऐसा लगता है, और देखने से हम भाई बहन लगते हैं लोगों को, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत फहमी निकाल दो, बहुत लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं, तो हम हैं ऐसे देखने में एक जैसे, गोल गोल है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते।
बाकी ये है कि देखो हम एक ही स्कूल से पढ़े हैं, हमारी जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम्हारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी कैसे है, तो हम एक ही स्कूल से पढ़े हैं, एक ही क्लास में थे, ठीक है, सो वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। बाकी स्टोरी बहुत बड़ी है, एक बार मैं बताऊंगा तो बताई भी नहीं जाएगी, तो धीरे धीरे बताया भी नहीं जा सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, बहुत बहुत कांड किए हमने, सारे कांड अभी नहीं बता सकते, आने वाले टाइम में कभी बताएंगे, कभी जब हम बड्डे हो जाएंगे 10-12 साल का, जब देखेंगे, जब जाएंगे 10-12 साल में, जब हमारे 5-6 करोड़ सब्सक्राइबर होंगे जब कभी, ठीक है, जब बताएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे कांड है, पूरी स्टोरी तो हम जल्दी बता देंगे 1-2 लाख सब्सक्राइबर के बाद ही बता देंगे, पर कुछ बीच बीच में से कुछ चीज़ें छोड़ देंगे जो कि थोड़ी अभी लोग सह नहीं पाएंगे उसको, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं, बाकी यही है यार, और धीरे धीरे बताएंगे। और अगली स्टोरी में हम सोच रहे हैं कि जो हमारे स्कूल की जो पिक्चर्स हैं हम दोनों के, जो साथ में भी हैं और अलग अलग भी हैं, तो पिक्चर्स पे हम रिएक्ट करेंगे कि बेसिकली हम स्कूल में कैसे लगते थे, और एक फोटो तो मैंने डाला भी था, मैं तो बहुत कुपोषित थी, ठीक है, उस टाइम पे फोटो तो मैं भी उस टाइम पे पतला ही था, बट स्टार्टिंग में आई वाज वेरी गोलू, तुम भी गोलू थे 8th क्लास में ना, उसके बाद 9th-10th में हम लोग पतले हो गए थे, तो फिर उसके बाद भाई ये साइंस में चली गई थी और मैं आर्ट्स में चला गया था, क्योंकि तुम्हारे भाई को पसंद था थोड़ा सा, बोलते ना डांस वगैरह ऐसी चीज़ों में ज़्यादा वो था, शौक था, मैं बेसिकली डांस पढ़ाई से नहीं, कोई मतलब नहीं था बेसिकली, बात ही है सारी। मैं पहले से ही इन चीज़ों में इतना कोई रहा नहीं हूँ, मेरे को पढ़ाई वगैरह में, मेरे घर वालों का जो बेटा करना वो कर, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम यूट्यूब पे आ गए, फिर हम इन्हें भी यूट्यूब पे ले आए, तो ये बताओ अच्छा एक फ़ायदा क्या हुआ, इन्होंने साइंस ली मैंने आर्ट्स लिया, ठीक है, करना फिर भी यूट्यूब था इनको, और यूट्यूब पर भी मैं लेके आया, तो फिर फायदेमंद तो मैं रहा ना, फालतू में क्यों वहाँ पर एसएससी करवा रहे थे, बट मुझे आर्ट्स नहीं पढ़ जाती। अच्छा तो मजबूरी है ना, मतलब कि आर्ट्स सही रहा ना, पर मेरे लिए तो तुम्हारे लिए सही है, जो पढ़ सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, तो क्योंकि मेरे को नहीं, मेरे को फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता था, पर मेरे को सबसे ज्यादा जो मेरे को बुरा लगता है ना सब्जेक्ट में, वो है मैथ, मेरा फेवरेट है मैथ, भाई साहब मैथ से बुरा कोई सब्जेक्ट बना ही नहीं है, हम इस मामले में बिल्कुल उल्टे हैं, इसको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मैथ्स में बहुत अच्छा, तो भाई एक अच्छी चीज होनी चाहिए अपोजिट, क्योंकि अपोजिट जब चीज़ें होती है तो वो अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, ठीक है, ठीक है, चलो फिर यही है यार, और आगे जो वीडियो बनाएंगे हम जो है, जो मैं बता रहा हूँ फोटोज़ पर रिएक्ट करेंगे, सो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगे, और आई होप आपको अच्छा लगेगा, पिक्चर्स देखने को मिलेंगी उसमें बहुत, एक उसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो आपको उस पिक्चर से रिलेटेड होंगी, वो आपको देखने को मिलेंगी। सो मैं बेसिकली उस टाइम पर डांस वगैरह भी सिखाता था स्कूल में, अपने स्कूल में खुद ही टीचर था, मुझे भी सिखाया, इसे भी सिखाया था, और वहीं से कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग हुई थी हम लोगों की, क्योंकि मैडम फिदा हो गई थी, क्या क्या हैंडसम कबूर हुआ जो डांस सिखा रहा है, वाह टैलेंटेड बंदा, ठीक है, ओ प्लीज ठीक है, ऐसा नहीं था, तो मेरे पीछे आए थे पप्पी बनके, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे कुछ भी, कर लो, कुछ भी ठीक है, तो कहानी जो अगले अगली वीडियो में जाने को मिलेगी अगली में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तुम देखते हो मैं भाव भी नहीं देता इसको, फालतू में मेरे लिए सुबह पानी बना के लाई, मैं पानी गर्म करके, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, सृष्टि करता सख्त लौंडे, अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, चलो महा इमोशनल है आदमी, चलो वीडियो को खत्म करो, ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट, अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना, और अगली नहीं करा तो दूसरी वीडियो देखने मत आना, देख आओगे कैसे, सब्सक्राइब करोगे जब भी तो आओगे ना, अगली वीडियो देखने कर दो यार, अभी तो गवर्नमेंट चेंज है, शेयर भी कर दिया करो वीडियो को, थोड़ा शेयर करो, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर हमारी नौटंकी पसंद है तो, हाँ अभी के लिए बाय। Por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo. Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brindó. Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme.